नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। रेलवे की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की शॉर्ट नोटिस भी जारी कर दी गई है और अल्टीमेटली अब आप इसका आवेदन कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, डेट कल से दी हुई थी, कब आया गया? तो अभी इन्होंने शॉर्ट नोटिस दे दिया है और मेरे ख्याल से रात के 9-10 बजे तक आपका फुल डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, जैसे पिछली बार ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए आया था। तो रही बात की अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कुछ नया है, क्या बदलाव है। वैसे एक बात मैं बोलूंगा कि रेलवे ने एनटीपीसी में खासकर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट वाले बच्चों के साथ बहुत ही बोल सकते हो कि ये बहुत ही नाइंसाफी है। अगर बात करें तो लेवल 3 और लेवल 2 दो पदों पे आए हैं और वैकेंसीज की संख्या मात्र 2022 और 1423 है। कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 3445, हालांकि ये बात पहले से पता है और लगातार हम लोग आवाज उठाते रहे कि वैकेंसी बढ़नी चाहिए, वैकेंसी बढ़नी चाहिए, लेकिन अभी रेलवे पे कोई भी इसका असर नहीं पड़ रहा है। देखते हैं आगे, जैसे इन्होंने टेक्नीशियन का एएलपी का बढ़ाए हैं तो एक उम्मीद लगा कि हम बैठ सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे वैकेंसीज इंक्रीज करनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 21/9/2024 से आवेदन चालू होगा, मतलब कल की डेट से आवेदन चालू होगा और जो क्लोजिंग डेट होगा वो क्या हो जाएगा, 20/10/2024। 21/9/2024 मतलब कि आज की रात 12 बजे से होगा, बट मैं आपको यहां पे इंडिकेटिवली मैं बता दे रहा हूं कि बहुत आनंद फानन में आप फॉर्म मत भरिएगा क्योंकि बच्चे पछताते रहते हैं। कई सारी चीजें होती हैं जैसे सेफ जोन हो गया, जैसे पोस्ट प्रेफरेंस हो गया, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो गया, तो आप लोग गलत तरीके से कर देते हो, बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या कई बार जोन का सिलेक्शन और आनंद फान में चीजें करने से आपके सिलेक्शन तक पहुंचते पहुंचते रह जाते हो। लेकिन यहां पर आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। जैसे आपने देखा था रेलवे एनटीपीसी के ग्रेजुएशन पोस्ट में मैंने हर एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से कि आपका जॉब किस तरह है, पोस्ट किस तरह है, सब कुछ बताया है। ऐसे आपको जैसे ये सीसीटीसी आपका होता है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जॉब, टिकट क्लर्क यानी टीसी वाला जो होता है, टिकट चेकर वाला जिसे टीटीटीसी बोलते हो, ये आपका लेवल 3 का ही पद है। ऊपरी कमाई बहुत है, आपको भी पता है 21,700 इनिशियल पे है। 18 से 33 साल के बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं, 1/1/2025 इन्होंने कट ऑफ डेट ली है, 18 से 33 वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, इसमें लेवल 2 का 19,900 और यहां पे टोटल देखा जाए तो 3445 पोस्ट है। अब सबसे बड़ी बात आप समझिएगा कि मात्र इतनी वैकेंसी है और यहां पे केवल 12th क्या मांगा है, एलिजिबिलिटी मांगा है, तो मतलब 12वीं पास तो बच्चा भरेगा ही भरेगा लेकिन जो ग्रेजुएशन वाला है वो भी बच्चा भरेगा। तो सबसे ज्यादा जो फॉर्म आएंगे वो आपके 12th पोस्ट वाले पे आएंगे और वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा कम है। तो भाई इतनी नाइंसाफी इन पोस्ट के लिए क्यों, मैं ये पूछना चाहता हूं। और एक बार आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि भाई आप इससे कितना खुश है, वैकेंसी बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए। हालांकि मेरे आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप बोलते हो कि एक प्रयास हम लोग सारे जितने भी संस्थान हैं सब मिलके इस वैकेंसी को इंक्रीज करने के लिए हुंकार लगाएं, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि हां सर ये वैकेंसी इंक्रीज करने के लिए हम सब एक साथ हैं। एक बार आप मुझे बताइए क्या आप साथ हो, क्योंकि मैं तो यहां पे मान के लिए मुहिम खड़ा कर दूंगा, मैं यहां पे इनिशिएटिव ले लूंगा, लेकिन आप ही साथ नहीं आओगे, संस्थान साथ नहीं आएंगे तो अकेले मैं भी नहीं कर पाऊंगा। आपको पता है रेलवे में बात मनवाने के लिए लाखों की भीड़ चाहिए होती है, यहां पे मात्र 5-10 से काम नहीं चलता। तो क्या आप मेरे साथ हैं, अगर मैं इस मुहिम में सबसे आगे आता हूं तो मुझे आपका साथ चाहिए होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वैकेंसी इंक्रीज करने के लिए कितना साथ है। बाकी इसका अगर मैं कोर्स की बात करूं कि आपका कोर्स है, क्योंकि यहां पे बहुत कुछ बोलने का मन ही नहीं करता कि तैयारी करो ना करो क्या है, कुछ भी समझ नहीं आता, इतनी कम वैकेंसीज में। बस सत्य भी यही है कि जो बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है, जो बच्चा तैयारी करने वाला बच्चा है, वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में जुटता है और वो सोचता है कि हम तैयारी कहां से करें। तो टीम परीक्षा प्लस ऑलरेडी मात्र 199 रुपए में आपके एनटीपीसी के, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, चाहे आपका अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे आपका CBT 1 CBT 2, सब उसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, प्रॉपरली ई बुक, सारी जो किताबें होती हैं आपको, जो परीक्षा प्लस की किताबें हैं वो तो मिलेंगी, साथ में जो आपको एक्स्ट्रा ई बुक चाहिए होते हैं ये सब भी आपको परीक्षा प्लस ऐप पे ही मिल जाएगा। और ये सब मात्र 199 में आपको मिल जाएगा परीक्षा प्लस ऐप पे। पेड कोर्स में जाएंगे, एनटीपीसी का आपको 2.0 दिखेगा और ये बैच मात्र 199 में आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे ये सारे बैच के बारे में बताना, हर चीज बताना बिल्कुल दिल ही नहीं करता। तो अभी चलो ग्रेजुएशन वाले पोस्ट पे 8,000 पद एक लगता था कि वहां पे थोड़ा बहुत तो ठीक है, बट 3,000 पद में ऑल ओवर इंडिया लेवल की वैकेंसी, 21 जोन है, कौन कहां से अप्लाई करेगा, क्या सेफ जोन, क्या रेड जोन, क्या यहां पे डेंजर जोन, कुछ भी नहीं समझ में आता और ऐसे में केवल निरस्ता हाथ लगती है। तो एक मुझे बताइएगा कि अगर मैं मुहिम स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं। बाकी डिटेल नोटिस के बारे में जल्द आऊंगा, फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।